एनीथिंग दैट इज ल्यूकोम, आप पानी पीजिए ल्यूकोम लीजिए, ग्रीन टी भी ल्यूकोम वो है मैम, स्पिरुलिना इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, जितना ज्यादा आप स्पिरुलिना की इन्फ्यूजन आती है मैम, अगर आप इन्फ्यूजन ग्रीन टी के बजाय स्पिरुलिना इन्फ्यूजन लें तो वो बहुत अच्छी होती है इम्यूनिटी के लिए। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show, and today we are going to talk about monsoon and diseases, and for that we have Dr. S. Kumar ji with us. Hello sir, once again. Hello ma'am. Sir, kaise hain aap? All well, how are you doing? I'm great. Sir, monsoon aa gaya hai, monsoon ke saath bahut sari bimariyan bhi aane wali hai, aur mujhe lagta hai ki already aap bahut sari bimariyan face kar rahe honge, patients aa hi rahe honge dengue malaria lekar, so aaj ka show hamara usi ke upar hai, monsoon ke ko janne ke liye hamari jo audience hai wo betab hai ki kaise apne aap ko bachaye monsoon ki bimariyon se, to sir मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि मॉनसून में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और हम उनसे कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैम, मॉनसून वैसे तो एक प्लेजेंट मौसम होता है, इतनी गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो सारी गर्मी से पीछा छूट जाता है, बट इसके साथ कुछ बीमारियां आ जाती हैं क्योंकि वाटर स्टेग्नेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्टेग्नेंट वाटर फ्लडिंग, हर जगह फ्लड जा रहे हैं, अभी भी देखिए आधे उत्तर भारत में फ्लड्स हैं और पानी जगह जगह पर इकट्ठा हो गया है, उसकी वजह से सीवरेज में प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। स्टेग्नेंट वाटर की वजह से मॉस्किटोज आ जाते हैं, मस्कीटो बॉर्न डिजीजेज आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत होती है, डैम्प वेदर रहता है, चेंज होता है बार बार, उसकी वजह से सोर थ्रोट्स एंड एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिस इज वेरी कॉमन। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज लाइक डेंगी मलेरिया चिकनगुनिया, दिस इज वेरी कॉमन। वाटर बॉर्न डिजीजेज लाइक टाइफॉइड लेप्टोस्पायरोसिस जॉन्डिस, this is very common, loose motions, this is very common, क्योंकि पानी contaminated हो ही जाता है इस मौसम में, इसी तरह क्योंकि हम गीले रहते हैं, damp रहते हैं, पूरे हर तरह से सूखता नहीं है पसीना, जिसकी वजह से fungal infections बहुत होती हैं, इसी तरह बार बार क्योंकि weather change होता रहता है, हम अंदर बाहर करते रहते हैं, कभी एसी में रहते हैं तो कभी बाहर डैम्प वेदर में मॉइस्ट वेदर में निकल जाते हैं, सो उसकी वजह अच्छा एक पोलन बहुत बढ़ जाता है हरियाली की वजह से, तो एलर्जी सोर थ्रोट्स निमोनियाज दीज आर वेरी कॉमन। इससे पता लग रहा है सर कि मॉनसून जितना सुहाना होता है उतनी उस बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है, और वाटर बॉर्न डिजीज तो बहुत सारी है, और उससे इतनी ज्यादा बीमारियां हो सकती है, तो सर हम बच कैसे सकते हैं इनसे बचने के? मैम, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, काफी लोग बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आप अपने आप को वैक्सीनेटेड रखिए, पहली चीज तो जिन जिस चीजों की भी वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि जॉन्डिस के लिए हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है, टाइफॉइड के लिए टाइफॉइड की वैक्सीन अवेलेबल है, इन्फ्लुएंजा फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है, तो इन चीज़ों की वैक्सीन लगा कर रखिए, फ्लू की ईयरली वैक्सीन होती है तो इसलिए हर साल लगानी चाहिए। दूसरा, पानी आप साफ पीजिए, साफ पानी पीने के लिए बेस्ट वे इज बॉइल्ड वाटर, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ आपने देखा है, आप अपने हाथ से गर्म करके उबाल के ठंडा कर रहे हो पानी, 20 मिनट्स के लिए पानी को गर्म करना होता है, बॉइल करना होता है, उसके बाद ठंडा करके पीजिए, तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग क्लीन वाटर। क्लीन फूड, बाहर का खाना मार्केट्स में खाना मत खाइए, घर पे जो खाना खा रहे हैं उसको गर्म करके खाइए, क्योंकि गर्म होने से कोई कंटामिनेशन होगा भी तो वो ठीक हो जाएगा, जैसे आप गोलगप्पे मत खाइए, समोसे खा लीजिए क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं, तो जो चीज़ गर्म होगी वो ठीक हो जाएगी, उसमें कीटाणु मर जाएंगे,
तो ये एक तरीका है बीमारियों से बचने के लिए, पानी जमा मत होने दीजिए, क्लीन करते रहिए सराउंडिंग्स को, बाहर देखिए कोई गड्ढा है तो उसको भर दीजिए, कोई कोकोनट शेल्स वगैरह पड़े हैं तो उसको खाली कर दीजिए, कूलर्स वगैरह में अगर पानी पड़ा है तो खाली कर दीजिए, यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑयल डाल दीजिए जिससे कि, और रेगुलर उनको वाटर को चेंज कीजिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शन से बचने का तरीका है कि आप अपने आप को बार बार ड्राई कीजिए, कॉटन क्लोथ्स पहनिए, लूज क्लोथ्स पहनिए जैसे कि एयरी हो, और जब भी मौका मिले तो क्लोथ चेंज कीजिए, अंडर गारमेंट्स को दिन में दो बार चेंज करिए, सॉक्स को दिन में दो बार चेंज करिए अगर आप हर वक्त शूज में रहते हैं तो। ये सब तरीके हैं कि अपने आप को ड्राई रखिए, ड्राई रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन कम होंगे। गार्गल्स कीजिए, टेम्परेचर चेंजेस अपने कम से कम कीजिए, ज्यादा पोलन में मत जाइए, ये तरीके हैं मैम अपने आप को बीमारियों से बचाने। सर अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इस सीजन में हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? आपने बताया कि वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट मैम। सेकंड इज टेक लॉट ऑफ विटामिन सी, टेक कंप्लीट योर विटामिन D3 एंड B12। विटामिन D3 और B12 कभी भी आपकी चेक करा लीजिए लेवल्स, आज के दिन में नॉर्थ इंडिया में रैम्पेंटली विटामिन D3 कम है, B12 भी बहुत से लोगों का कम हो गया है, ये सब पूरे हों। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अप इम्यूनिटी, तो ये सब चीज़ें कीजिए, एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, पर एक्सरसाइज के बाद अपने आप को क्लीन भी ज़रूर कीजिए, ये नहीं कि एक्सरसाइज करना छोड़ दें, एक्सरसाइज गिव्स यू गुड इम्यूनिटी, ओवर एक्सरसाइजिंग डिक्रीजेज इम्यूनिटी, सो ओवर एक्सरसाइजिंग भी ना करें, बिल्कुल काउच पोटैटो बन के भी ना बैठे रहें, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। When you exercise, you breathe good oxygen. बहुत oxygen breathe करते हैं तो oxygen is the best healer. वो आपको healing capacity देता है। Okay sir, तो हमें इससे पता लगता है कि good food and exercise and vitamin C ये सारी चीजें बहुत important D. D3 and B12 ये सब चीजें immunity के लिए बहुत important हैं। Lot of citrus fruits खाइए। जी। उसे vitamin C मिलता है। आलमंड्स खाइए, विटामिन ई मिलता है, तो ये सब चीजें लेने से बहुत फायदा है। अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए, शुगर की पेशेंट्स को शुगर ना बढ़ने दी जाए, वो बहुत बड़ी जरूरत है कि शुगर बढ़ने से इम्यूनिटी बहुत गिर जाती है। सर जैसे इम्यूनिटी के बहुत से अब तो बाहर बाजार में भी आने लगे हैं पाउडर और दवाई, तो उनको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं? अगर विटामिन D3 या B12 कम है तो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, वो दवाइयाँ लीजिए, पर ओवर मेडिकेशन भी मत कीजिए कि अगर आपका कम नहीं है तो आप ज़बरदस्ती मत लीजिए। इम्यूनिटी एज सच हम सबकी अच्छी इम्यूनिटी होती है, कुदरत ने इम्यूनिटी ठीक दी है, ओवर मेडिकेशन करने से कोई इम्यूनिटी को बेनिफिट नहीं होता, कुछ ना कोई नुकसान भी होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आपके पैरामीटर्स ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी फालतू चीज़ें लेने की, और अगर आपकी कोई भी डिफिशेंसीज आई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए दवाई ज़रूर लीजिए। ओके, और जैसे घर में हम काढ़ा बनाते हैं वो हम ले सकते हैं? काढ़े ले सकते हैं हम, कुछ चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होता, कुछ चीज़ों का नुकसान होता है, तो कोई भी डॉक्टर आपको घर के नुस्खे जिनका नुकसान नहीं है वो मना नहीं करेगा। सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने की, और बहुत सी ऐसी होम रेमेडीज भी होंगी, बहुत से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस आप ऑलरेडी बता चुके होंगे कि अपने आप को ड्राई रखना है, मॉइस्चर से दूर रखना है, और साथ ही अच्छा खाना खाना है, बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना है इस टाइम, कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं, लूज क्लोथ्स पहनने हैं, दिन में दो बार चेंज करिए। सर आपने ऑलरेडी बताया, तो सर जैसे इम्यूनिटी की अगर बात करें तो एक तो काढ़ा हो गया, बोलते हैं कि ग्रीन टी भी अच्छी होती है इम्यूनिटी के लिए, और एनीथिंग दैट इज ल्यूकवार्म, आप पानी पीजिए, ल्यूकवार्म लीजिए, ग्रीन टी भी ल्यूकवार्म वो है मैम, स्पिरुलिना इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा आप स्पिरुलिना की इन्फ्यूजन आती है, अगर आप इन्फ्यूजन ग्रीन टी के बजाय स्पिरुलिना इन्फ्यूजन लें तो वो बहुत अच्छी होती है इम्यूनिटी के लिए। एंड सर अगर जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं, तो क्या इनसे भी ये सब चीज़ें करके हम बच सकते हैं?
मैम रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं अगर आपको, तो आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी सो दैट यू डोंट लैंड अप इन हॉस्पिटलाइजेशन, यू डोंट लैंड अप डिस्ट्रॉइंग योर लंग एंड यू डोंट लैंड अप हैविंग निमोनियास। ओके, और इनको प्रिवेंट करने के इन दिनों में क्योंकि हमने बहुत से निमोनियास देखे हैं जैसे ही सीजन चेंज हुए बहुत से निमोनियास आए। अगर ऐसा कुछ फील होता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम इनको प्रिवेंट करना चाहते हैं लाइक हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? प्रिवेंशन इज मैम अगेन प्रिवेंशन इज मिनिमाइज टेंपरेचर चेंजेस, डोंट थिंक एनीथिंग दैट इज कोल्ड बाय टेंपरेचर, डोंट ड्रिंक एनीथिंग दैट इज कोल्ड बाय टेंपरेचर, डोंट सिट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द एसीज, live in a clean environment, there should not be mites, smell should be less, there should be no temperature changes, jitna aap in cheezo ko follow karenge, dust, smoke, pollen, animal dander, bird droppings, smells, in cheezo ko jitna aap avoid karenge, utna aapko allergy se prevention rahe. एंड सर मुझे लगता है कि मॉनसून और बीमारियों को लेकर उनकी बहुत सारी अवेयरनेस हमारे ऑडियंस को आई होगी। एंड सर टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू मैं ये चाहूंगी कि अभी मॉनसून क्योंकि स्टार्ट हो ही रहा है तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं और मैं चाहूंगी कि आप कुछ एडवाइस दें हमारे ऑडियंस। सबसे जरूरी तो आप पूरी बाजू के कपड़े पहनकर रखें और अपने को पूरा ढककर रखें जिससे कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस ना हो। ठीक है मैं भी यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Use mosquito repellents in the exposed parts. That is very important. Have boiled water. Have clean food, clean water. Keep yourself dry. And avoid or minimize temperature changes. These are the basic precautions. And in case you fall ill, please consult your doctor immediately. Don't wait for the disease to increase. Like jaundice. We have seen so many patients of jaundice during this time. We have seen patients of typhoid during this time, dengue during this time. So don't wait. In case you are not feeling well, immediately meet your doctor. True. And अपना ख्याल रखिए. अभी मॉनसून है तो बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं. सर ने already बता दिया है. So just keep yourself safe. Yes. Thank you so much, sir, for great interview. Thank you so much for your time, sir. Again. Thank you so much. And it was a great interview. Thank you so much.